दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है बबलू और आप अभी देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बबलू की बगिया। दोस्तों आज मैं नर्सरी विजिट पे आया हूं और यहां पे आपको दिखाने वाला हूं कि कौन कौन सा ऐसे प्लांट है जो अभी आप इस चिलचिलाती गर्मी में भी ले जाएंगे और रिपोर्ट करेंगे तो बढ़िया फ्लावरिंग मिलेगा आपको। कुछ परमानेंट तो कुछ ऐसे प्लांट है जो केवल गर्मियों के टाइम में ही फ्लावरिंग करता है और सर्दियों में डोरमेंसी में चला जाता है। यही सब कुछ दिखाने के लिए मैं आज इस नर्सरी में आया हूँ और आपको ये दिखाता हूँ कि यदि आप अभी नर्सरी से पौधा खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो कौन कौन सा ऐसा पौधा है जिसे आप खरीद के घर ले जा सकते हैं और उससे बढ़िया फ्लावरिंग ले सकते हैं। दोस्तों आज मैं जो नर्सरी का विजिट कर रहा हूँ वो नर्सरी है वाटिका नर्सरी, जो गंगापुर रोड दक चौराहे के बिल्कुल पास में ही मेन रोड पर है। और आज मेरा यहाँ आने का मकसद यही है कि मैं आप लोगों से शेयर कर सकूँ कि अभी भी इस चिलचिलाती गर्मी में भी यदि हमें फ्लावरिंग अपने टेरेस अपने आंगन में चाहिए तो कौन कौन से ऐसे प्लांट है जिसे हम अपने बागवानी में ऐड कर सकते हैं। तो चलिए, जो सबसे सामने दिख रहा होगा पहला प्लांट, वो प्लांट है दोस्तों बहुत बढ़िया फ्लावरिंग करने वाला। गर्मियों में खास करके यूँ तो ये परमानेंट प्लांट है, रुक रुक के फ्लावरिंग इसमें होती रहती है, लेकिन गर्मियों में कम केयर में बहुत बढ़िया फ्लावरिंग करने वाला ये बोगनवेलिया का प्लांट है, जिसके कई सारे वेराइटी यहाँ भी अवेलेबल है और पाया भी जाता है। तो बोगनवेलिया यदि आप गर्मियों में कम केयर में बढ़िया फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो बोगनवेलिया को अपने बागवानी में ज़रूर ऐड करें। इसके कई सारे कलर वेराइटी अवेलेबल होता है, जो भी कलर आपको पसंद हो उस कलर के प्लांट को आप अपनी बागवानी में ऐड कर सकते हैं। बात करें इसकी रेट की तो यहाँ पे इसका रेट है 150 के आसपास का पौधा मिल जाएगा आपको, लेकिन ये एक बार यदि आप ले कर चले गए तो ये कभी आपके बागवानी से जाएगा नहीं, क्योंकि इतना हार्डी प्लांट होता है। इसमें केयर के नाम पे हमें खाद तो देना ही देना है, पानी की मात्रा इसमें कम देना है। जितना कम पानी देंगे उतना ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा। यदि पानी आपने इसको ओवर वाटरिंग कर दी या बार बार देते रहे तो पत्ते तो खूब आएंगे लेकिन फ्लावर जो हमें चाहिए होता है वो कम मिलेगा। इसके वेराइटी अलग अलग होते हैं, सिंगल पेटल्स भी होते हैं तो कुछ गुच्छे में आने वाले प्लांट भी होते हैं, और कलर तो आप देख ही रहे होंगे स्क्रीन पे कितने सारे वेराइटी इस नर्सरी में भी अवेलेबल है। अब दूसरे नंबर पे जो प्लांट मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये कितना प्यारा कलर है देखिए। छोटे से ये पॉली बैग में लगा हुआ प्लांट है और फ्लावरिंग कितना सुंदर दे रहा है और इसके कलर कितने प्यारे हैं ये देखते ही बनता है दोस्तों। ये बहुत ही कम रेट में मिलने वाला, यानी कि 15 से 20 रुपए में ये प्लांट आपको मिल जाएगा। यदि छोटा पौधा है तो 15 रुपए में, और इस तरह का यदि फ्लावरिंग आ रहा है, बड्स बने हुए हैं तो ज़्यादा दिन से इन्होंने केयर किया है इसलिए 5 रुपये ज़्यादा इसका रेट है, 20 रुपये में इस नर्सरी में आपको मिल जाएगा। और कलर तो इसका कहना ही क्या, ये सारे ही कलर मनमोहक कलर है, ऐसे कलर है जो आप यदि नर्सरी विजिट करेंगे तो आपका दिल इस पर आना लाजमी है। आपको हर एक प्लांट ऐसा लगेगा कि मैं खरीद के अपने बागवानी में ज़रूर ऐड करूं। तो 20 रुपये का ये प्लांट है दोस्तों और पूरे गर्मी इसमें भर भर के फ्लावरिंग आता रहेगा। अब तीसरे नंबर पे जो प्लांट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा वो मॉस रोज, 9 o'clock, ऑफिस टाइम, कुछ भी कह लीजिए, वही फ्लावरिंग प्लांट है जो केवल और केवल चिलचिलाती गर्मियों में ही आपको फ्लावरिंग देगा और बहुत ही बड़े पैमाने पर इसमें फ्लावरिंग होता है। यदि इसको आपने एक बार खरीद के ले गए तो ये आपको निराश नहीं करेगा और हमेशा के लिए आपके बागवानी में बना रहेगा। यदि आप इसको कड़ाके की सर्दी से यानी कि कोहरे से बचा के रख लिए तो ये प्लांट कभी गायब नहीं होगा आपकी बागवानी से। इसके बिना गर्मी के फ्लावरिंग प्लांट की बात करना ही बेईमानी होगा, क्योंकि ये सबसे बढ़िया फ्लावर में से एक होता है और हार्डी प्लांट इतना कि यदि आप और शॉर्ट टाइम के वजह से, समय की कमी की वजह से इसको वाटरिंग नहीं कर पाए तो भी आपको ये निराश नहीं करेगा और बढ़िया फ्लावरिंग होता रहेगा। इसमें खाद की भी ज़रूरत कम ही पड़ती है या ना ही पड़ते हैं। रिपोर्टिंग के टाइम में यदि आपने इसमें वर्मी कंपोस्ट या पुराने गोबर का खाद मिला दिए वही इसके पूरे गर्मी के लिए काफ़ी होता है, और पानी का ख्याल इसको रखना होता है। ठीक बैगन बेलिया की तरह इसमें भी पानी कम ही डालेंगे तो ज़्यादा फ्लावर ले पाएंगे। ज़्यादा पानी में ये भी पत्ते बहुत देगा, ग्रीनरी बहुत हो जाएगा लेकिन फ्लावरिंग नहीं दे पाएगा। दोस्तों अब जो अगला प्लांट मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये भी गर्मियों में बहुत बढ़िया फ्लावरिंग देता है और इसके भी कई सारे कलर पाए जाते हैं। कुछ देसी वेराइटी है तो कुछ इसके हाइब्रिड वेराइटी है, लेकिन कलर और पौधा बहुत ही बढ़िया हार्ड
चलता है, हार्डी प्लांट है, इसको भी आप पानी यदि कम देंगे तभी बढ़िया फैब्रिक ले पाएंगे। और चिलचिलाती धूप में यदि दिन भर की धूप में इसको रख दिए तो भी इसके चेहरे पे सिकन नहीं आएगा, बहुत बढ़िया ये खिलखिलाता रहेगा और फ्लावरिंग देता रहेगा। इसकी भी यदि रेट की बात करें तो इस वाटिका नर्सरी में 20 रुपये का प्लांट आपको मिल जाएगा, और ये भी यदि आप एक बार ले गए तो इसके बीज से आप अपने पौधे को अगले साल तक तैयार कर सकते हैं। इसकी कटिंग भी वैसे लग जाती है, कटिंग से भी इसको चाहें तो आप तैयार कर सकते हैं। दोस्तों पांचवें नंबर पे जिस गर्मियों के प्लांट को, खूबसूरत से प्लांट को मैं लेके आया हूँ आपके लिए, वो भी देखिए कितना कलर वेराइटी अवेलेबल है। और ये भी गर्मियों में खिलने वाला ही प्लांट है जो गर्मियों में ही भर भर के फूल देता है और सबसे सस्ता प्लांट में से एक होता है। इसके भी कलर वेराइटी आप देख लीजिए, कितने सारे कलर यहाँ भी इस वाटिका नर्सरी में भी अवेलेबल है। और इसके भी केयर के नाम पर आप पानी कभी डालेंगे, खाद जरूर इसमें डालते रहेंगे बीच बीच में तो बढ़िया फ्लावरिंग करेगा। और कलर ऑप्शन ढेर सारे होते हैं इसके भी, आप यदि सूखे हुए फूल, जो एक बार खिलने के बाद फूल सूख जाता है, उसको पिंचिंग करते रहेंगे तो नए नए ब्रांच आते रहेंगे और उसमें आते रहेंगे ढेर सारे फूल भी। तो जीनिया भी गर्मियों के लिए बहुत बढ़िया प्लांट में से एक होता है दोस्तों, जो यहाँ पर केवल और केवल 20 रुपये में मिल जाएगा आपको। अगला प्लांट है दोस्तों सनफ्लावर का, जो आपको अपने स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा। और सनफ्लावर भी गर्मियों में खिलने वाला बहुत बढ़िया प्लांट होता है, इसके कई वैरायटी पाए जाते हैं। कलर अमूमन सबका येलो ही होता है, लेकिन इसके वैरायटी डार्क वैरायटी भी पाया जाता है और लॉन्ग वैरायटी भी पाया जाता है। ये जो सामने आपको दिख रहा ये डार्क वैरायटी है, छोटे से पौधे में बढ़िया फ्लावरिंग करेगा और एक बार फूल यदि खिल जाता है तो 10-15 दिन तक ये फूल खिला होता है। इसको भी यदि आपने एक बार अपनी बागवानी में ऐड कर दिए तो ये आपके बागवानी से नहीं जाएगा, इसको बड़े आसानी से आप बीज से, जो इसके सेंटर पार्ट है इसमें सीड तैयार होता है, इसी सीड से आप अगले साल के लिए भी तैयार कर सकते हैं यदि तैयार करना चाहेंगे घर पर तो। वैसे तो यदि आप इसको ख़रीद के ले जाना चाहें तो केवल और केवल 20 रुपये का प्लांट है, तो 20 साल भर संभाल के पौधे तैयार करने से बेहतर 20 रुपये में ये बहुत ही चीप रेट में यहाँ पे मिल जाएगा, आप इसे ले जाकर अपनी बागवानी में ऐड कर सकते हैं। अगला जो प्लांट मैं आपको गर्मियों के लिए सजेस्ट करने वाला हूँ या बताने वाला हूँ, वो एक परमानेंट प्लांट है, एक्जोरा का प्लांट। जरूर परमानेंट है लेकिन इसमें फ्लावरिंग मेनली जब गर्मी का सीजन आता है उस टाइम में आता है, और जब भी फ्लावरिंग आता है तो इस तरह से गुच्छों में आता है जो फुटबॉल का आकार ले लेता है। दोस्तों ये देखिए इसका कलर और ये साइज इसका यदि देखें तो इसी तरह से भर भर के गुच्छे में इसका फ्लावरिंग आता है। और ये प्लांट आपको 80 रुपये में मिल जाएगा और ये परमानेंट प्लांट है, 12 महीने ये प्लांट आपके बागवानी में रहेगा, लेकिन फूल गर्मियों के मौसम में ही ज़्यादा आता है इसमें। इसको भी आप कटिंग से चाहें तो घर पर तैयार कर सकते हैं, बड़े आसानी से ये तैयार हो जाता है, लेकिन इस समय का जो मौसम है, जो गर्माहट है मौसम में, इस मौसम में ये तैयार होना थोड़ा मुश्किल है, नहीं कर पाएंगे। बरसात या सर्दियों के मौसम में इसको आप बड़े आसानी से कटिंग से तैयार कर सकते हैं। दोस्तों अगला प्लांट जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ गर्मियों के लिए, ये प्लांट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा और ये है कनेर का। कनेर का भी कई सारे वेराइटी पाए जाते हैं और कई सारे रंग भी इसके पाए जाते हैं। इसको भी आप चाहें तो कटिंग से तैयार कर सकते हैं, और यूं तो गर्मी में ये अभी खिल रहा है लेकिन ये फूल 12 महीने ही रुक रुक के खिलता रहता है। ये भी गुच्छों में ही आने वाला एक फ्लावर प्लांट है, ये देखिए सब बर्ड्स इसमें बन के अभी तैयार हो रहा है। और ये इसके कलर, ये जो पिंक दिख रहा है, इसके अलावा रेड में भी पाया जाता है, पीले रंग में भी आता है, व्हाइट में भी आता है, कई सारे कलर वेराइटी इसमें अवेलेबल है। और ये भी बड़े आसानी से कटिंग से तैयार होने वाला प्लांट है। इसके रेट की यदि बात करूं तो इस नर्सरी में आपको केवल और केवल 50 रुपये का मिल जाएगा, जो एक पौधे से आप अनेक पौधा घर पे इससे भी आप तैयार कर सकते हैं। यहाँ के जितने भी पौधे हैं वो देखिए अमूमन सभी ये पॉली बैग में भले ही लगे हों, लेकिन सारे के सारे प्लांट हेल्दी प्लांट है। तो इसको भी आप अपने बागवानी में परमानेंट प्लांट के तौर पर आसानी से ऐड कर सकते हैं। अगला प्लांट जो आप अपनी बागवानी में इस चिलचिलाती गर्मी में भी ऐड कर सकते हैं और फ्लावरिंग ले सकते हैं,
वो आपके सामने ही है, रोज़ प्लांट यानी कि गुलाब की वेराइटी, जिसे आप अपनी बागवानी में ज़रूर ऐड करना चाहेंगे, या यदि आप गार्डनर हैं तो प्लांट गुलाब के आपके पास होगा भी। और इसमें भी कई सारे कलर पाए जाते हैं, कई सारे रंग पाए जाते हैं और कई सारे वेराइटी पाए जाते हैं। तो यदि आपके पास एक या दो वेराइटी ऐसा है जो है और बाकी वेराइटी नहीं है, तो आप वेराइटी बढ़ाने के लिए ही सही गुलाब को अपनी बागवानी में ज़रूर ऐड करना चाहेंगे। यह भी बहुत बढ़िया प्लांट होता है और इसका देसी वेराइटी तो आप आसानी से कटिंग से तैयार कर सकते हैं। ये जितने प्लांट अभी आप देख रहे हैं ये सब कटिंग से नहीं बल्कि ग्राफ्टिंग के जरिए तैयार किया गया है, और उस ग्राफ्टिंग से ही बढ़िया रिजल्ट मिलता है जो ये वाली वेराइटी है उसमें। तो इसको भी आप अपनी बागवानी में ज़रूर ऐड करें, जो एक परमानेंट प्लांट के तौर पे आपके बागवानी में रहेगा। अगला प्लांट आपके स्क्रीन पे आ गया, देखें, यह भी कई सारे रंग में, कई सारे डिजाइन में, कई सारे वेराइटी में पाए जाने वाला गुड़हल का प्लांट है, जिसे आप अपनी बागवानी में ऐड करना ज़रूर चाहेंगे, क्योंकि इसके कलर वेराइटी बहुत ज़्यादा होता है और देखने में भी बहुत खूबसूरत होता है। ये पौधा सिंगल पेटल्स में भी आपको मिल जाएगा और डबल पेटल्स में तो मिलेगा ही मिलेगा। ये जो सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये सिंगल पेटल्स वाला पौधा है, जबकि इसमें डबल पेटल्स वाला भी आपको मिल जाएगा। ये भी भर भर के फूल देता है। इसको यदि आप केयर की बात करें तो इसमें आपको नीम ऑयल का इस्तेमाल बीच बीच में करना पड़ेगा, क्योंकि कीड़े की अटैक इसमें होती है, तो इसको आप कीड़े से बचाने के लिए नीम ऑयल का इस्तेमाल करें। और यदि इसको बीच बीच में 15 दिन या 20 दिन पे आप मुट्ठी भर भी वर्मी कंपोस्ट या गोबर का खाद देते रहें तो ये बढ़िया फ्लावरिंग करेगा। अब आगे जो आपको दिख रहा है ये प्लांट, ये गर्मियों के सीजन में ही ज़्यादातर लगते हैं और लगाए जाते हैं। ये कोचिया का प्लांट है, जो देखिए कितना हरा भरा आपको दिख रहा होगा, छोटे से पॉली बैग में लगे हुए हैं। इसके साइज देखिए कैसे भर भर के ये आ रहा है, कई सारे ब्रांच इसके निकलते हैं और ये पूरी बागवानी को हरा भरा रखने के लिए बहुत बढ़िया प्लांट है दोस्तों। ये भी 20 रुपये का प्लांट है और इसे भी आप अपनी बागवानी में ज़रूर ऐड करना चाहेंगे। भले ही नॉन फ्लावरिंग प्लांट है लेकिन इसकी खूबसूरती फ्लावरिंग प्लांट को माप देने के लिए काफ़ी होता है। तो गर्मियों में इस प्लांट को या अपने घर आंगन को हरा भरा रखने के लिए इस प्लांट को आप ज़रूर अपनी बागवानी में ऐड करें। अब अगला प्लांट जो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, ये पानी में उगने वाला एक प्लांट है और ये मिट्टी में नहीं केवल पानी में उगने वाला प्लांट है। इसकी खूबसूरती देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, देखते ही बनता है। ये वाटर लिली का प्लांट है दोस्तों, और वाटर लिली के लिए यदि आप किसी गमले में पानी भर के लगा देंगे तो ये एक से अनेक पौधा होता रहेगा और उसमें भी फ्लावरिंग आता रहेगा। इसके भी कई सारे कलर पाए जाते हैं। यहाँ पे जो अभी खिला हुआ है वो मेनली एक पिंक और एक दूसरा प्लांट आपको येलो देखने को मिलेगा, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे वेराइटी हैं जो अभी यहाँ पे खिला नहीं है, जिस वजह से मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो इसका गमला थोड़े बड़े साइज़ का हो, इन्होंने देखिए कितना बड़ा गमला सब बना रखे हैं, उसमें लगा रखे हैं। ये मदर प्लांट है तो इन्होंने बड़े गमले में लगाए हैं। यदि आप चाहें तो इससे छोटे साइज के भी गमला को पानी भर के उसमें आप वाटर लिली आराम से उगा सकते हैं। ये भी अपनी बागवानी में आप ज़रूर ऐड करें, क्योंकि इसकी खूबसूरती आप अभी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कितना बढ़िया लगता है। दोस्तों गर्मियों में खिलने वाला जो सबसे बढ़िया प्लांट होता है वो उसमें से एक आपके स्क्रीन पे अभी है, जो अडेनियम का है। इसके भी कई सारे कलर वेराइटी पाए जाते हैं और छोटे छोटे पॉट में लगे हुए ये देखिए कितना बढ़िया फ्लावरिंग कर रहा है सारा अडेनियम का प्लांट। 200 रुपये का एक प्लांट आपको इस वाटिका नर्सरी में मिल जाएगा, लेकिन इसको भी आप कटिंग से तैयार कर सकते हैं। यदि आपके पास समय की कमी है तो ये पौधा आपको कभी निराश नहीं करेगा। इसमें जितना कम पानी डालेंगे उतना बढ़िया ये रिजल्ट करेगा। इसका डिज़ाइन भी बहुत बढ़िया होता है, जब ये नीचे से रूट इसका देखिए रूट वॉल कैसे इसका होता जाता है वो देखने में और अच्छा लगता है। जब ये फ्लावरिंग नहीं भी करता है तो इस ये देखने में प्लांट बहुत अच्छा होता है। इसको भी कटिंग से आप तैयार कर सकते हैं, भले ही ये महंगा पौधा हो लेकिन एक बार यदि आप खरीद के ले गए तो एक कलर के दूसरा पौधा खरीदने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि आप उसको आसानी से रेनी सीजन में या सर्दियों के सीजन में कटिंग से तैयार कर सकते हैं। हैवी रेन वाटर या ओवर वाटरिंग से इसको बचाना पड़ेगा, नहीं तो ये पौधा गल जाएगा और ख़राब हो जाएगा। तो इस पौधे को जितना कम पानी डालेंगे
उतना बढ़िया ये रिजल्ट देगा, उतना बढ़िया ये फ्लावरिंग करेगा, क्योंकि पूरा प्लांट देखिए ये ऐसे रस से भरा होता है। इसमें यदि ओवर वाटरिंग हो गया तो ये सब गल जाएगा और आपका महंगा पौधा खराब हो जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों इस ब्लॉग को यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे फिर किसी नए लोकेशन पे, किसी नए आइडिया के साथ, किसी नए टॉपिक पे। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा और देखते रहिए अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल बबलू की बगिया।